ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसे किसी जुर्म में 9 साल की जेल की सजा हो जाती है, पर जेल में उसे एक आदमी से प्यार हो जाता है और दोनों दिन रात बस खपा खप करते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है डाउन बाय लव और ये मूवी 2016 में रिलीज हुई थी। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एना था। एना को किसी ग्रुप के साथ क्राइम में इन्वॉल्व होने की वजह से पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद एना को जेल में ले जाया जाता है। जेल में एना का पुलिस सब कुछ उतार कर उसका बॉडी चेकअप करते हैं। इसके बाद एना को एक रूम दिया जाता है जिसमें घर जैसी ही सारी फैसिलिटीज थी। थोड़ी देर बाद एना अपने रूममेट से मिलती है। उनमें से एक लड़की एना को बताती है कि कल यहाँ कुछ गेस्ट आने वाले हैं पर हमें उनके सामने फैशन शो करना होगा। एना जब किचन में अपना काम कर रही थी तभी वहाँ जेल का वार्डन आता है। इसका नाम जॉन था। जॉन सभी को फैशन शो के लिए रेडी होने को कहता है। यहाँ जॉन एना को देखता है और उससे बात करने की कोशिश करता है पर एना उसे भाव नहीं देती। अगले सीन में सभी लड़कियाँ परफॉर्म के लिए रेडी हो रही थी तभी एना खिड़की से मिनिस्टर को देखती है जो फैशन शो देखने आ रहा था। मिनिस्टर के साथ जॉन भी था। जॉन को देखकर एना अपनी ड्रेस थोड़ी फाड़ देती है। दरअसल एना जॉन को इम्प्रेस करना चाहती थी। एना जब परफॉर्म करने आती है तब जॉन उसे देखकर इम्प्रेस हो जाता है। अगले दिन जॉन एना को अपने कैबिन में बुलाता है। एना कहती है कि क्या वो किचन छोड़ के किसी और जगह पर काम कर सकती है। तब जॉन कहता है कि नहीं, यहाँ का एक रूल है कि हर कैदी को लगभग 4 महीने तक एक ही जगह काम करना पड़ता है। वो कहता है कि 4 महीने बाद मैं तुम्हारी शिफ्ट चेंज कर दूंगा। अगले सीन में हम जॉन और उसकी वाइफ को अपनी बेटी के डांसिंग शो में देखते हैं। जेल में एना की मॉम एना से मिलने आती है। एना अपनी मॉम से कुछ पैसे मांगती है। तब एना की मॉम कहती है कि वो उसे अगले क्रिसमस तक ही पैसे दे पाएगी। बाहर आने के बाद एना अपने दोस्तों के साथ बातें कर रही थी तभी उसके पास एक लड़की आती है और एना को गंदे तरह से टच करने लगती है। एना को ये अच्छा नहीं लगता और वो बहुत गुस्सा हो जाती है और उस लड़की को मारने लगती है। इस वजह से जॉन एना को अपने कैबिन में बुलाता है। वो एना से कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम जेल से कभी बाहर नहीं निकल पाओगी। पर एना बिना कुछ बोले वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। फाइट के दौरान एना के हाथ में चोट लग जाती है, इसीलिए एना की रूममेट उसे बैंडेज लगाती है। यहाँ पे वो भी एना को किस करने की कोशिश करती है पर एना को ये पसंद नहीं आता और वो उसे वहाँ से चले जाने को कहती है। अगले दिन एना को सुनवाई के लिए कोर्ट में बुलाया जाता है। कोर्ट रूम में जाने से पहले एना की चेकिंग होती है जिसमें एना को अपना सब कुछ उतारना पड़ता है। जब एना कोर्ट रूम में जाती है तब उसे 9 साल की सजा सुनाई जाती है। कोर्ट से वापस आकर एना जॉन से मिलती है। जॉन उससे कहता है कि अगर तुम यहाँ सबसे अच्छे से पेश आती हो तो तुम्हारी सजा कम हो सकती है। जॉन उसे किचन के काम से निकालकर कंप्यूटर का काम दे देता है। एक बार जब एना अपना काम कर रही थी तब जॉन उसके पास आता है और उसे टच करने लगता है। एना भी उसे नहीं रोकती। अगले सीन में एना बुक पढ़ रही थी तभी जॉन उसके पास आता है। वो एना से बात करने की कोशिश करता है पर एना उसे एक लेटर देकर वहाँ से चली जाती है। उस लेटर में लिखा था कि उसे इस जेल में घुटन सी महसूस होती है, प्लीज मेरा ट्रांसफर किसी और जेल में करवा दो। जॉन जब घर आता है तब वो बस एना के बारे में ही सोच रहा था। अगले दिन जॉन एना के पास आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है पर यहाँ वो दोनों काफी करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। धीरे धीरे अब इन दोनों को एक दूसरे से प्यार होने लगता है। एक दिन जब जॉन एना के पास आता है तब वो देखता है कि एना ने दीवार पे कुछ पेंटिंग बनाई है। ये पेंटिंग देखकर वो एना को किस करने लगता है। फिर अगले दिन वो एना को बताता है कि उसने एना का ट्रांसफर किसी और जेल में करवा दिया है। ये सुनकर एना बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो अब जॉन के साथ रहना चाहती थी। जॉन जब अपने घर आता है तब उसकी वाइफ ऐसे ही उसके पास आती है और यहाँ वो दोनों खपाखप करते हैं। अगले दिन जॉन एना के पास जाता है तब एक लेडी एना के हेयर कट कर रही थी। जॉन उस लेडी को वहाँ से चले जाने को कहता है और खुद एना के हेयर कट करने लगता है। बाद में एना भी जॉन के हेयर कट करती है। यहाँ एना जॉन को रिझाने लगती है। जॉन अपना स्पाइडरमैन एना के मुंह में डाल देता है। अगले दिन भी जॉन एना के पास जाता है और उसके साथ खपाखप करता है। यहाँ पे एना जॉन को फिर से खपाखप करने को कहती है क्योंकि अभी तक उसका मन नहीं भरा था पर जॉन पहले भी उसके साथ 3 बार खपाखप कर चुका था इसीलिए वो उसे मना कर देता है। तभी वहाँ जेल की एक स्टाफ आती है और वो जॉन को लेके एक मीटिंग में चली जाती है। इधर एना से मिलने उसकी मॉम आती है लेकिन इन दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस हो जाती है। एना इस बात से निराश होकर अपने रूम में चली जाती है लेकिन तभी उसके पास जॉन आता है और एना का सब कुछ उतार कर उसके साथ पलंग तोड़ खपाखप करता है। इसी दौरान जॉन एना की कुछ गंदी फोटोज भी लेता है और फिर अपने घर चला जाता है। रात को एना जॉन को मैसेज करती है पर जॉन अपनी फैमिली के साथ था इसीलिए वो उसे रिप्लाई नहीं देता। अगले दिन एना जॉन के ऑफिस में आती है और कल रात की बात के लिए गुस्सा होती है। यहाँ एना जॉन से कहती है कि क्या तुम मुझसे सच में प्यार करते हो। तो जॉन कहता है कि हाँ, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। अगले दिन क्रिसमस था इसलिए जॉन अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा था। इधर एना और उसके फ्रेंड मिलकर पार्टी कर रहे थे। इधर एना कुछ गंदी फोटोज खींचकर जॉन को भेजती है। एना की फोटोज देखकर जॉन से रहा नहीं जाता और वो अपने वाइफ के साथ ही खपाखप करता है। यहाँ जेल में एना उसका इंतजार कर रही थी पर जॉन उससे मिलने नहीं आता। एना गुस्सा होकर बहुत सारी नींद की गोलियां ले लेती है जिससे उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। अगले दिन जॉन एना से मिलने आता है। वो
उससे कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। एना कहती है कि मैंने ऐसा इसीलिए किया ताकि तुम मेरे पास आ सको। ये सुनकर जॉन उसे गले लगा लेता है। रात को वो एक बार में जाता है और ड्रिंक करता है। यहाँ जॉन को हर लड़की में एना नजर आ रही थी। ये देखकर उसे रियलाइज होता है कि अब वो एना से प्यार करने लगा है। अगले दिन जेल का एक ऑफिसर जॉन को अपने ऑफिस में बुलाता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि जॉन और एना का अफेयर चल रहा है। जॉन कहता है कि ये सब झूठ है। अब कुछ दिनों तक जॉन एना से नहीं मिलता। फिर एक दिन वो एना को कॉल करता है। तब एना उससे कहती है कि उसे एक होटल में जाना है, तो जॉन उसे एक होटल में ले जाता है। होटल में वो दोनों गपागप करते हैं। दूसरी तरफ जॉन की वाइफ को सब कुछ पता चल गया था कि जॉन का अफेयर एना के साथ चल रहा है। जॉन जब होटल से अपने घर आता है तब उसकी वाइफ जॉन पर बहुत गुस्सा थी। वो जॉन से कहती है कि क्या तुम एना से प्यार करते हो। यहाँ जॉन उसे कुछ नहीं कहता और अपनी वाइफ को गले लगा लेता है। फिर कुछ दिनों बाद एना को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो उस बच्चे को गिराना नहीं चाहती थी। अगले दिन जब जॉन अपने ऑफिस में होता है तभी वहाँ कुछ डिटेक्टिव आते हैं और वो जॉन को अरेस्ट कर लेते हैं। जॉन जब उसका रीजन पूछता है तब डिटेक्टिव कहते हैं कि तुमने जेल में एक लड़की के साथ अफेयर किया है, इसके लिए 3 साल की सजा हो सकती है। पर ये बात सुनकर जॉन को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले सीन में एना जब रोड पर जा रही थी तब जॉन उसके पास आता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, पर एना उसे कोई जवाब नहीं देती। जब उन दोनों के केस की सुनवाई होती है तब उन दोनों को कोर्ट में बुलाया जाता है। यहाँ पे एना जॉन को देखकर उसकी तरफ डर्टी स्माइल करती है। इससे हमें ये पता चलता है कि एना अभी भी जॉन से प्यार करती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। ऐसे ही और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।